किचन में हम जब भी खाना बनाते हैं तो राइट साइड में चिकनाई तो हो ही जाती है, और ख़ासतौर पे आपकी चिमनी है तो उसमें भी तेल जो है वो टपकने लगता है। तो यहाँ पर मेरी चिमनी भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, और अगर चिमनी भी नहीं है तो उसके आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसमें इतनी ज़्यादा चिकनाई जमा हो जाती है कि उसको साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर मीशो से ऑर्डर किया है जिससे दिखाया जा रहा है कि इससे जो चिकनाई है वो आसानी से हटाई जा सकती है और बिना किसी मेहनत के। तो यहाँ पर मैंने इसको मंगा लिया था और ये बहुत ही कम प्राइस में मेरे को मीशो पे मिला था। तो ये मेरे को 90 रुपीज़ के समथिंग मिला था, बहुत ही कम प्राइस था, मैंने तुरंत ऑर्डर किया। और चलिए अब इसको चेक करके देखते हैं कि सच में जो है चिकनाई को बहुत अच्छे से हटाता है या नहीं हटाता है। तो सबसे पहले मैं चिमनी को क्लीन करूँगी, तो चिमनी के हम इस तरीके से निकाल लेंगे हम, क्योंकि सर्विस कराना थोड़ा कॉस्टली होता है और हम ऐसे चिमनी की बार बार सर्विस नहीं करा सकते। तो इसको घर पर साफ़ करना एक बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चिकनाई है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाती है और जिसको हटाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से स्प्रे जो है ये लगा दिया, तो इस तरीके से ये स्प्रे फॉर्म में आता है जो कि स्प्रे की तरह निकलता है। तो यहाँ पर थोड़ा मैंने ढक्कन इस तरीके से नहीं खुलाता, नहीं तो ये बहुत ही अच्छे से स्प्रे करता है। और इस तरीके से मैं दोनों चिमनी के इस तरीके से इस पर लगा दूँगी, और इस तरीके से इसको लगाने के बाद हमें 5 मिनट के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पर दोनों साइड में मैंने बहुत अच्छे से स्प्रे को लगा दिया है और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद आप कोई भी स्क्रबर लेंगे और उस तरीके से आपको इसको रब करना है। तो यहाँ पर आप मैंने कुछ भी आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से झाग वाला फॉर्म आ रहा है तो मैंने कुछ यहाँ पर यूज़ तो नहीं किया, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी डिश वॉश वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है, सिंपल मैंने उसी को 5 मिनट छोड़ दिया था। उसके बाद सिर्फ सिंपल हमें स्क्रब करना है, ना कोई आपको लेना है डिश वॉश, ना आपको कुछ लेना है, सिंपल आप करेंगे क्योंकि ये खुद ही झाग बनाता है। और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से देखिए चिकनाई को निकाल रहा था, ज़्यादा मेरे को रगड़ने की मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हल्का सा आप इस तरीके से ना मारेंगे तो आपका जो चिकनाई है वो आसानी से ये हटा देगा। तो काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इससे चिमनी जो है बहुत ईजीली साफ़ हो गए थे बिना किसी ज़्यादा झंझट के। तो मैंने फिर उसके बाद इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद पानी से वॉश कर लिया, और पानी से वॉश करने के बाद हम यहाँ पर इसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पर जो चिमनी के ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ से भी देखिए काफ़ी ज़्यादा ऑयल इकट्ठा हो गया है, तो इस पर भी मैं स्प्रे से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस स्क्रबर पर स्प्रे ले लिया था, जो आपको स्क्रबर यूज़ करना है चिमनी या किसी भी चीज़ के लिए एकदम सॉफ्ट करें या फिर इस तरीके का जो आता है वो आप कर सकते हैं। तो उससे क्या है, नहीं तो आपके चिमनी में निशान पड़ जाएंगे अगर आपने लोहे वाला किसी तरीके का स्क्रब लिया तो। उसके बाद चिमनी के ऊपर इस तरीके आइट साइड लगाकर आप इस तरीके से अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से चिकनाई को हटा देता है, बहुत अच्छे से सफाई करता है। और यहाँ पर देखिए मैंने पूरी चिमनी को कितनी जल्दी साफ़ कर लिया, मतलब पता भी नहीं चला, और मेरी चिमनी 4 से 5 मिनट में बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई। और यहाँ पर इसको अच्छे से फिक्स कर देते हैं। तो अब अगर आपकी चिमनी गंदी है तो बिना किसी टेंशन के आप इस तरीके से 5-10 मिनट में क्लीन कर सकते हैं। साथ में जो है गैस बर्नर वगैरह भी आप इससे साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर गैस स्टोव जो है उस पर मैं हल्का सा डालूंगी, स्प्रे करूंगी, और इस तरीके से देखिए अब आप इस पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ डिश वॉश जेल वगैरह, सिंपल मैंने इस स्प्रे को डाला। और यहाँ पर देखिए ये मैंने ले लिया है वाइप्स क्लोथ और उसकी मदद से इसको अच्छे से रगड़ दूंगी। तो यहाँ पर देखिए खुद ही झाग बना देता है, खुद ही बहुत अच्छे से ये झाग बनाकर इसको क्लीन करता है। सिंपल आपको चारों तरफ इसको लगाकर और 5 मिनट के लिए छोड़ना है, और 5 मिनट के बाद आप देखिए बिल्कुल जो आपकी गैस है ना बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप गैस की शाइन देखिएगा बहुत ही अच्छे से। 5 मिनट बाद मैंने जब इसको क्लीन किया तो हल्का सा गीला कपड़ा करके अच्छे से मैं इसको क्लीन कर लूँगी। इससे फिर क्या है, आप देखिएगा जो इसकी शाइन है, जो चमक है, वो एकदम नई जैसी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे से इसने वर्क किया था, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और 90 रुपीज़ में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिलना भी इम्पॉसिबल है, जो कि मीशो पर बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। तो आप इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हैं, आई साइड के टाइल्स भी क्लीन कर सकते हैं, बाथरूम के टाइल्स भी क्लीन कर सकते हैं, या आपके घर में ग्लास वगैरह है उसको भी क्लीन कर सकते हैं, टेबल ग्लास वगैरह है, तो बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी चीज़ों में आपके काम आ सकता है, क्योंकि किचन में हम जब भी खाना बनाते हैं तो चिकनाई तो कबर्ड में, टाइल्स में, हर जगह लगती है। तो आप टाइल्स पर ईजिली इस स्प्रे को करके देखिए टाइल्स भी क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके कबर्ड में चिकनाई जमी हुई है तो आप कबर्ड पर भी स्प्रे करके इससे आप चिकनाई को हटा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको ये प्रोडक्ट थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपको परचेस करना हो तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ लिंक पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट की भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तकलीफ बाय।